स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। अब हम देख रहे हैं अनकन्फाइंड फ्लो बाय ड्यूपिट्स एजम्पशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कन्फाइंड में एक इक्वेशन बन रही थी कुछ इस तरीके से, है ना। क्या बन रही थी? डेल स्क्वायर एच बाय डी एक्स प्लस डेल स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। भी देखा हमने फॉर स्टडी फ्लो, है ना, फॉर अन स्टडी फ्लो ये किसके बराबर हो जाता है, एस बाई के डी एच बाई डी टी, वो भी देखा हमने, है ना। अब देखते हैं हम कि अनकन्फाइंड में इसमें दिक्कत क्या हो रही है। अनकन्फाइंड में क्या होता है, आपके पास बहुत दिक्कतें क्या ही की है हमको, बाउंड्री कंडीशन की दिक्कत है। ठीक है, अब कन्फाइंड कैसा था, कन्फाइंड का अपना प्रेशर था, है ना, दो लेयर के बीच में कन्फाइंड है, अपना प्रेशर है उसका। लेकिन ये क्या है, ये तो ओपन टू एटमॉस्फियर है इसकी सरफेस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस की प्रॉब्लम आ रही है हमको किसमें, अनकन्फाइंड में। क्यों? क्योंकि देखो आपका कैसा है, अनकन्फाइंड कैसा होता है, नीचे आपका कोई हार्ड स्ट्रेटा है ना, ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारा कोई वाटर टेबल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये क्या हो रहा है, ये हमेशा किस पे है, हमेशा हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है, हमेशा अगर आपने ड्रिल किया तो ये क्या है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब सारी जगह प्रेशर कैसा है, सेम है। ठीक है, सारी जगह प्रेशर कैसा है, सारे पॉइंट पे सेम है। ठीक है, और क्या दिक्कत आ जा रही है, क्योंकि वाटर टेबल भी एक सही है ना, तो इसके लिए हम इसकी बाउंड्री कंडीशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ड्यूपिट ने एजम्पशन दिए दो, कि हम ये मान लेते हैं कि अगर मैं इसको कोई एक एलिमेंट मान के चलूं, है ना, अगर हम इसको कोई एक एलिमेंट मान के चलें तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं, है ना। अगर इसको एक्स वाई डायरेक्शन में ये मान लेते हैं हम, ये रहा, है ना, ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन, ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहां कहीं पर हो गया आपका वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलो, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा एलिमेंट बनेगा एक्विफर का, है ना, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ से जाके ऐसा लेके, ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे ले लो, ये वाला हो गया आपका वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन। अब मैं इसमें बोल सकता हूँ कि ये वाला जो चेंज आएगा या इस यहाँ पे कुछ चेंज आएगा तो वो यहाँ किसके बराबर होगा, देख लेते हैं एक मिनट, इसको ठीक से बना लें पहले। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या हो गया हमारा डेल एक्स, है ना, ये एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया हमारा डेल वाई। ठीक है, ये हो गई आपकी हाइट कोई एच, ठीक है, जो इसकी थिकनेस होगी, है ना, एक्विफर की, और ये वाला हो गया हमारा z डायरेक्शन। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया y, z हमारा वर्टिकल में है। ठीक है, तो आपको पता है कि एजम्पशन देख लेते हैं पहले, कि ये जो फ्लो है आपका कैसा रहेगा, स्ट्रीम लाइन है, मैं बता रहा हूँ आपका, है ना। यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं हम एजम्पशन, कि जो कर्वेचर है फ्री सरफेस का, क्योंकि फ्री सरफेस कैसी है हमारी, फ्री सरफेस तो ओपन टू एटमॉस्फियर है ना, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ओपन टू एटमॉस्फियर नहीं था। तो ड्यूपिट ने पहला बोला कि हम उस स्ट्रीम लाइन को क्या मान के चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, द कर्वेचर ऑफ द फ्री सरफेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये जो कर्वेचर है फ्री सरफेस का, ये बहुत ही छोटा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, पहली बात। दूसरा, हमने एक और एजम्पशन लिया ड्यूपिट का, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल्स टू द फ्री सरफेस स्लोप। ठीक है, क्योंकि कोई एटमॉस्फियर किसी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो, एंड डज नॉट वेरी विथ डेप्थ। ठीक है, तो ये दो एजम्पशन में हम वर्क करते हुए हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या, अनकन्फाइंड फ्लो फॉर ड्यूपिट, है ना, अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट एजम्पशन। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें वर्टिकली कुछ चेंज नहीं आएगा, है ना, जैसे अगर पानी जा रहा है एक्वीफर से
तो एक्स डायरेक्शन में जितना जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पानी कैसा है, अनकम है ना, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, पानी कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना जाएगा उतना वहां से निकल जाएगा, वैसे ही एक्स डायरेक्शन में होगा वैसे ही वाई डायरेक्शन में होगा, लेकिन जेड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आएगा तो ठीक है वर्टिकली है जेड डायरेक्शन, आएगा तो वर्टिकली, लेकिन नीचे हमारा जो स्ट्रेटा है वो क्या है, हार्ड है, तो कहीं निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, है ना। तो जेड डायरेक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हुए अगर मैं बोलूं कि कोई मास m1 है ना, कोई मास यहां से आपका x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कोई मास mx1 यहां से घुस रहा है और ये यहां से mx2 निकल रहा है ना, तो ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। वैसे ही अगर कोई मास यहां से my1 घुस रहा है तो ये भी my2 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज इन मास आ सकता है डिफरेंस में। चलो तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर मैं m1x लिखना चाहूं, mx1 लिखना चाहूं, तो वो कितना हो जाएगा, देखो mx1 कितना हो सकता है, मतलब मास फ्लक्स रेट है ना, यहां से जो मास जा रहा है वहां से वो मास निकल रहा है, तो मास फ्लक्स रेट क्या हो जाएगा इधर का, तो ये हो जाएगा देखो डेंसिटी है ना इनटू वेलोसिटी vx, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इनटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा देखो h है ना, h इनटू डेल y, एरिया जो इसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो इस एंगल में मिल रहा है हमको, इस एंगल में हम कहाँ घुस रहे हैं, y वाले में, तो h हाइट हो गई और y क्या हो गई उसकी थिकनेस है ना, इसको 3D एज्यूम करना, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मास निकलेगा है ना एम एक्स टू, जो मास निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा रो वी एक्स जेड सॉरी एच डेल वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ यहां हम ले लेते हैं रो वी एक्स है ना एच डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका जो मास निकल रहा है, ठीक है, जो मास हमारा निकल रहा है, थोड़ा सा क्या आ गया आपका चेंज इन फ्लो रेट है ना। चलो सेम वैसे ही अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं, तो जितना पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है वाई में, एम वाई वन कितना आ रहा है, सेम उतना ही आएगा है ना, कितना लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं रो वी वाई, वी एक्स क्या है एक्स डायरेक्शन में पानी की वेलोसिटी, और वी वाई क्या हो गया वाई डायरेक्शन में पानी की वेलोसिटी, ठीक है, एच इंटू डेल एक्स हो जाएगा इस बार देखो ये यहां से घुस रहा है फ्लक्स, यहां से घुस रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया डेल एक्स इंटू एच, ठीक है, यहां से घुस रहा है तो डेल एक्स इंटू एच ये घुस गया आपका, निकलेगा कितना एम वाई टू, निकलेगा कितना रो वी वाई एच डेल एक्स प्लस डेल डी बाय डी वाई ऑफ रो वी वाई एच डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूं, कितना इन और आउट माइनस कर रहे हैं हम, तभी तो फ्लो पता चलेगा है ना, तो अगर मैं इसका करूं तो देखो डेल एम एक्स कितना आएगा, लिख लेते हैं हम है ना, तो हम देख लेते हैं डेल एम एक्स कितना आएगा, डेल एम एक्स, तो डेल एम एक्स क्या करूंगा मैं, डेल एम एक्स निकालने के लिए एम एक्स वन माइनस एम एक्स टू, तो ये कितना आ जाएगा देख लो, सिंपल होगा, ये आ जाएगा माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ रो वी वाई एच प्लस डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डेल एम वाई निकालना चाहूंगा, ठीक है, डेल एम वाई निकालना चाहूंगा, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस डी बाय डी वाई ऑफ रो वी, यहां पे आ जाएगा आपका वी एक्स है ना, और यहां पे आ जाएगा आपका डेल
वाई और यहाँ आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये हो जाएगा हमारा वी वाई एच डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, ये आ गया हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप फ्लो डिफाइन करोगे, है ना, फ्लो डिफाइन करोगे तो आगे ये आ जाएगा, आगे ये क्या हो जाएगा, आगे हम इसको कर देंगे डेल एम एक्स प्लस डेल एम वाई, ठीक है, डेल एम एक्स प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो एम एक्स में ये देखो ये चीजें कॉमन है तो इनको हम हटा देंगे, तो अब क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ d बाय डी एक्स ऑफ वी एक्स, ठीक है, प्लस d बाय डी वाई ऑफ वी वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है देखो अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू के आई होता है, ठीक है, और i क्या होता है, i होता है चेंज इन हेड, है ना, अलोंग द लेंथ, स्लोप बोल सकता हूं मैं इसको, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वी एक्स इज इक्वल्स टू के, वी एक्स इज इक्वल्स टू के, ये माइनस में होता है, डी एच बाय डी एक्स लिख सकता हूं ऐसा, और वी वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, माइनस के डी एच, सॉरी स्मॉल एच कर लेंगे इसको, डी एच बाय डी वाई लिख सकता हूं ऐसा, है ना। अब अगर मैं इसको इक्वेशन में रख दूं तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम, है ना, ठीक है। यहां पे हम एक चीज और कॉमन लेना भूल गए, यहां पे आ जाएगा आपका h, h भी आ जाएगा हमारा, है ना, हाइट, बाकी तो हमारा सब छोटे थे, ये थोड़ा बड़ा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो, वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया। अब जब मैं इसको इक्वेशन में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस के, माइनस के h, h ये वाला रहेगा h, डी एच बाय डी एक्स, ठीक है, और प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, d बाय डी वाई ऑफ माइनस के h, डी एच बाय डी वाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा आपका मेन इक्वेशन, डी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपकी क्या हो गई, एक जनरल इक्वेशन, किसके लिए, किसके लिए निकाल रहे थे हम ये जनरल इक्वेशन, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेंगे, डी एच स्क्वायर प्लस अपॉन डी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये किसके लिए निकल गई आपकी, ये निकल गई हमारी अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए फ्लो की इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं था, क्योंकि उसमें फ्लो नहीं हो पा रहा था, मैंने बताया था आपको जेड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और ये क्या बन गई, एक लाप्लास इक्वेशन बन गई है, है ना, हमने उसमें देखा था तो वो कैसी थी, लाप्लास इक्वेशन h के टर्म में थी, किसमें, कन्फाइंड के केस में, यहां पे कैसे है ये, h स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम कि अगर रिचार्ज होता है, ठीक है, अगर रिचार्ज होता है तो वो कैसे अफेक्ट कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड है एकदम, अनकन्फाइंड एक्विफर विथ रिचार्ज, ठीक है, अनकन्फाइंड एक्विफर या अनकन्फाइंड फ्लो विथ रिचार्ज लिख सकते हो आप, ठीक है, अनकन्फाइंड फ्लो विथ अ रिचार्ज, है ना, अनकन्फाइंड फ्लो विथ अ रिचार्ज, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये हमारा सॉइल है, मान लो ग्राउंड लेवल है, है ना, ये आपका वाटर टेबल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो फिर जो भी पानी आ रहा है, मान लो, है ना, यहाँ पे बादल है, है ना, किसी को पक्षी पसंद है तो ये पक्षी बना देते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ बारिश हो रही है ना, तो ये पानी क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन पढ़ा है ना हमने, इन्फिल्ट्रेट होके
नीचे जाएगा। और ये हमारा कैसा है, अभी तो कन्फाइंड वाले देख रहे थे हम केस, उसमें तो क्या होता था, उसमें तो ऊपर रॉक का स्ट्रेटा था तो पानी रिचार्ज नहीं कर पाता था, रिचार्ज वो कहीं और से ही होता था। लेकिन ये जो अनकन्फाइंड है ये तो कहीं से भी रिचार्ज हो जाएगा क्योंकि ऊपर रॉक का स्ट्रेटा नहीं है, डायरेक्ट सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल ऑब्जर्व करे एब्जॉर्ब करेगी पानी और नीचे लेके आ जाएगी पानी को, है ना। और ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मान लो अब ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम रिचार्ज, लेकिन ये किस डायरेक्शन में रिचार्ज हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन है ना, मतलब जेड डायरेक्शन में भी अब कुछ कंपोनेंट आ गया है अभी हमारे पास। तो अभी हमने देखा था जब हम जनरल इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तब जेड में हमारे पास कुछ नहीं था। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि जो रिचार्ज रेट है वो है आर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, पर मीटर विड्थ, मान लेते हैं आर है रिचार्ज की क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास डेल एम जेड कितना हो जाएगा, मास फ्लो एट जेड डायरेक्शन, मास फ्लक्स एट जेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो रो आर, रो आर। अब पानी क्योंकि जेड डायरेक्शन में गिर रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और हमारे पास इसको z कर देंगे, है ना, x की वैल्यू है, mx की वैल्यू है और डेल my की भी वैल्यू है जो हमने निकाली थी। क्या निकाली थी, वो हमने निकाली थी माइनस d बाय dy ऑफ रो vx, यही निकाली थी vx h डेल y इंटू डेल x, यही निकाली थी हमने। ठीक है, और y डायरेक्शन में क्या निकाली थी, d बाय डी वाई ऑफ रो वी वाई एच डेल एक्स इंटू डेल वाई, कुछ ये निकाली थी हमने। ठीक है, तो अगर अब मैं इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो डेल एम एक्स प्लस डेल एम वाई प्लस डेल एम जेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमको पता है वी एक्स किसके बराबर होता है, वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डी एच बाय डी एक्स, है ना, और वी वाई किसके बराबर होता है, माइनस के डी एच अपॉन डी वाई के बराबर ये होता है ना। अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रख दोगे आप, है ना, तीन है मेरे पास, तीनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये है, सॉरी ये है z, ये है m z। ठीक है, तो देखो ये हमने पहले भी निकाला था इन दोनों का डिफरेंशिएशन, तो क्या आया था, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन डेल डी स्क्वायर बार इंटू एच स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2R डिवाइडेड बाई K। ठीक है, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन फॉर, किसके लिए बन गई है हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन बनी है मेरी जब कन्फाइंड फ्लो अनकन्फाइंड फ्लो हो विथ अ रिचार्ज। ठीक है, जब रिचार्ज भी हो रहा हो तो R क्या है हमारा रिचार्ज, K क्या हो गई हमारी परमियाबिलिटी। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ परमियाबिलिटी। ठीक है, तो देखो इक्वेशन वही है, चेंज नहीं हुई है जो हमारी पुरानी निकल के आई थी। अगर मैं यहाँ रिचार्ज की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो वही जनरल इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, है ना, जो हमारे पास पहले थी वही जनरल इक्वेशन आ जाएगी ये भी, है ना, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है। तो ये भी जीरो हो जाएगा जो हमने पहले बनाया था फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर, है ना, जब हमारा कोई भी रिचार्ज ना हो रहा हो, तो आर की वैल्यू जीरो कर दो आप, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि वन डायमेंशनल फ्लो जो हमने अनकन्फाइंड में देखा था, है ना, क्या देखा था हमने अनकन्फाइंड में, कि मान लेते हैं कि यहां पे, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, है ना, अनकन्फाइंड वन डायमेंशन अनकन्फाइंड फ्लो, ठीक है, विथ रिचार्ज, वन डायमेंशन अनकन्फाइंड फ्लो
विथ रिचार्ज। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम क्या फॉर्मूला बनेगा इसको अगर निकालना है आपको तो कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। चलिए, तो अब पहले देखते हैं हम इसको समझते हैं कि कैसे जाएगा वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो हम ये बना देते हैं पहले एक हॉरिजॉन्टल बेड। ठीक है, ये क्या है आपका, एक रॉकी स्ट्रेटा है मान लो जमीन के अंदर, बहुत अंदर। ठीक है, और ये हमारा कुछ ग्राउंड वॉटर, ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्राउंड सरफेस। अब एक साइड मान लो यहाँ पे कुछ पानी है ना, यहाँ पे कुछ पानी है ऐसा, जो मैं इसको बोल दे रहा हूँ एच नॉट। ठीक है, हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, एच नॉट पानी है कुछ इधर। ठीक है, अब ये पानी यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, है ना, ऊपर जगह नहीं बचेगी नहीं तो, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे है मान लो पानी। ठीक है, तो ये पानी ना क्या होगा, यहां से वहां जा रहा है, तो ये ना बीच में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर ये कम होता जा रहा है मान लो। ठीक है, फिर ये कैसा है, कम होता गया, और एक्वीफर के बाद यहां पे हाइट आ गई कुछ H1। ठीक है, यहां पे हाइट आ गई पानी की कितनी, H1। ठीक है, अब हम ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, पूरा लेंथ ऑफ द एक्वीफर हो गया L। लेंथ ऑफ द एक्वीफर क्या हो गया आपका, L। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी x डायरेक्शन में या कोई भी x डिस्टेंस में अगर हाइट निकालता हूं पानी की, ठीक है, ये कोई h डिस्ट, ये हो गया हमारा x डिस्टेंस, है ना, यहां से x डिस्टेंस हो गया हमारा कुछ, यहां से x डिस्टेंस, इसमें जो भी हाइट आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी h। ठीक है, अब अगर हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो वो भी यहां पे कहीं पे आएगी, है ना, इसको हम बोलेंगे ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए। ए आपको क्या बताता है, ए डिस्टेंस अगर मैंने निकाल लिया तो वो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम हाइट एच एम क्या है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को हम किससे बोलेंगे, एच एम क्या है। ठीक है, वो कौन बताएगा मुझे, ए। तो अभी हम सबके लिए डिराइव करेंगे कि ए कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे हम, और एक जनरल इक्वेशन ताकि इसका डिस्चार्ज कैसे निकाल सकोगे आप तो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल फ्लो कैसा होगा, 1D है, वन डायमेंशनल फ्लो है, तो ये कैसा होगा देख लेते हैं। अब देखो यहां पे पहले भी बता देता हूं मैं, यहां पे जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होगा है ना, जीरो पे, जब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है तो मैं इसको क्यू नॉट बोलूंगा। ठीक है, यहां पे जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होगा उसको मैं Q1 बोलूंगा। ठीक है, जो L लेंथ पे आ जाएगा। क्लियर है, यहां पे भी हम निकालेंगे बाद में। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा डी जेड स्क्वायर स्क्वायर, है ना, डी एच स्क्वायर, डी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये है हमारे पास इक्वेशन, है ना, ये वाली इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, मान लो यहां पे कुछ रिचार्ज हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, रिचार्ज हो रहा है ना, पानी आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2R डिवाइडेड बाय के, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, है ना, सॉरी इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस, चलिए तो मैं इसको लिख सकता हूं, एच इज इक्वल्स टू माइनस आर बाय के, चलो ब्लू सही लिख देते हैं, है ना, डिवाइड बाय के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो टू टू कैंसल हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस C1x प्लस C2 मिल गया मुझे, h इज इक्वल्स टू, बेसिक इक्वेशन मिल गया, h इज इक्वल्स टू माइनस आर, दो बार मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा दूं, कौन सी बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन कि
कि x इज इक्वल्स टू जब जीरो था, x इज इक्वल्स टू जब जीरो था तो h कितना था, h इज इक्वल्स टू h नॉट था, ठीक है। अब यहां से आप सी टू की वैल्यू निकालो, जब एक्स जीरो हो गया तो ये भी पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, और ये भी टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो सी टू इज इक्वल्स टू, सी टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, सी टू इज इक्वल्स टू एच नॉट, ठीक है। सी टू की वैल्यू मिल गई हमको, सी टू इज इक्वल्स टू एच नॉट, ठीक है। अब एक और बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम सी वन निकालने के लिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू एल होगा जब, है ना, जब l इज इक्वल्स टू सॉरी x इज इक्वल्स टू एल होगा तो मेरा जो h होगा वो कितना हो जाएगा, एच वन, ठीक है। अब आप यहां पे रख दो सब चीजों को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एच वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के एल स्क्वायर अपॉन सॉरी आर एल स्क्वायर अपॉन के, ठीक है, प्लस सी वन एल प्लस सी टू कितना है हमारे पास, सी टू की वैल्यू है एच नॉट, ठीक है, ये मिल चुका है हमको। तो अब हम निकालेंगे सी वन क्या हो जाएगा इससे, तो सी वन की वैल्यू लिखो आप, सी वन क्या हो जाएगा, सी वन इधर जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले माइनस माइनस एच नॉट माइनस एच वन, है ना, एच नॉट माइनस एच वन और माइनस माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस हो जाएगा मेरे पास आर एल स्क्वायर, है ना, माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन के डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एल, ठीक है। तो यहां देखो मेरे पास सी वन की भी वैल्यू आ गई और सी टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्या हो गई, सी वन की वैल्यू एच नॉट, एच वन वहां गया तो एच वन माइनस, ठीक है, माइनस ये टर्म तो था ही, डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो सी वन सी टू मिल चुका है हमको। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकालेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आपको क्लियर है, अब हम देखते हैं, अगर मैं वन डायमेंशनल फ्लो बोल रहा हूं तो देखो यहां पर यह टू डी था, टू डायमेंशनल था, वन में क्या हो जाएगा, वन में ये हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन अपॉन डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू आर अपॉन के, ये हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा दो बार, है ना, दो बार अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बचेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर के एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, ये मिलेगा मुझे। अब मैं अगर इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा देता हूं, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि देखो एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, तो जब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा एच क्या है, एच है मेरा एच नॉट, एच क्या है मेरा एच नॉट। तो अब यहां पे h स्क्वायर है तो मैं यहां पे लिख लूंगा सी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि x जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि x जीरो है, तो सी टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच नॉट, सी टू हो जाएगा एच नॉट का स्क्वायर, सॉरी क्योंकि ये h स्क्वायर है, इसकी जगह एच नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं हम सी वन निकालने के लिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू एल तो एच इज इक्वल्स टू एच वन हो जाता है, ठीक है। तो मैं जब इसको इक्वेशन में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर सॉरी एच वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस आर के एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स अब एल हो चुका है तो एक्स एल स्क्वायर प्लस सी वन एल प्लस सी टू की जगह हम क्या रख देंगे, एच नॉट का स्क्वायर, ठीक है, सी टू की जगह हम रख देंगे एच नॉट का स्क्वायर, एच नॉट का स्क्वायर, ठीक है, आ गया हमारे पास। अब आप यहां से अगर चाहो तो सी वन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, सी वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस एच नॉट स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन के
होल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, सी वन की वैल्यू। माइनस अच्छे से लिख लेंगे यहां पे, ये हो जाएगा माइनस एच नॉट स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन के अपॉन एल। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास देखो अब सी वन सी टू आ चुके हैं, इक्वेशन बन चुकी है, तो अब मैं इससे क्यू कैसे निकालूंगा, है ना, वो देखेंगे हम, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कैसे निकालते हैं। चलिए तो यहाँ देखेंगे हम, हमको यहाँ पे सी वन और सी टू दोनों मिल चुके हैं, है ना, सी वन और सी टू दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब मैं ये इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा मैं देखेंगे, है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, माइनस माइनस क्या था, आर एक्स आर के सॉरी आर के एक्स स्क्वायर माइनस C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू आई है हमारे पास H0 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर बाई एल, है ना, आर एल सॉरी आर एल स्क्वायर बाई के। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या आया, होल डिवाइडेड बाई एल, है ना, और क्या मिला है हमको, बस सी वन की वैल्यू यही है और एक्स लगा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो सी वन एक्स है, यहाँ पे सी वन एक्स है और सी टू कितना आया है, एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस एच नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक बेसिक इक्वेशन मिल गई है हमको। अब अगर मुझे मान लो ये ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा मिनिमा है ना वो यूज करेंगे हम कॉन्सेप्ट, तो एक्स डायरेक्शन में एच मैक्सिमम कब हो जाएगा, है ना, तो हम कैसे देखेंगे इसको, तो मेरे को अगर ए निकालना है टू फाइंड ए तो डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डी एच बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और ये जब मैं करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी l बाई टू माइनस k बाई आर एच सॉरी एच नॉट का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल। ठीक है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे h डेल h अपॉन डेल x, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी l बाई टू माइनस k r। ठीक है, एच नॉट माइनस एच वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ चुकी है, तो देखो ए क्या बताता है, ए हम वाटर डिवाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, वाटर डिवाइड लाइन क्या हो रहा है, जितना पानी भी इसके लेफ्ट साइड में है वो क्या हो जाएगा, वो कहला जाएगा अपस्ट्रीम वाटर। ठीक है, और जितना भी ए के इस साइड है वो क्या कहला जाएगा, डाउन स्ट्रीम वाटर। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है आपकी एक डिवाइड लाइन है। कई बार आपको पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डिवाइड लाइन, है ना, कई बार डिवाइड लाइन ए पूछ लेता है तो कैसे निकालोगे आप, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, एल बाई टू माइनस इसको ठीक कर लेते हैं हम, है ना, एल बाई टू माइनस के आर इंटू एच नॉट माइनस एच वन का दोनों का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, कैसे मिला, dH by dx का is equals to zero लेके मैक्सिमा मिनिमा जैसे करते हैं आप। ठीक है, चलो तो A मिल गया हमको। अब अगर अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, है ना, अब हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, मतलब क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, और Q का फॉर्मूला पता है आपको बाय डार्सी लॉ, क्या है Q का फॉर्मूला है माइनस K, है ना, माइनस K H, यहाँ पे H हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थिकनेस क्या ली है हमने, थिकनेस हमने H ली थी, है ना, थिकनेस हमने H ली है शुरू में जब मैंने एक एलिमेंट बनाया था तो हमने थिकनेस क्या ली थी, H ली थी। ठीक है, इंटू डी एच
बाय डी एक्स, है ना, यही होता है। देखो के आई ए वैसा ही है, देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, के है, आई ए हो गया डी एच बाई डी एक्स, और क्योंकि ये यूनिट विड्थ के लिए है तो एरिया क्या हो गया, वन इंटू एच, थिकनेस, है ना। तो ये है के आई ए, के आई ए ही, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कोई नया आ गया, है ना। तो ये के आई ए के जैसा ही है, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं ये अप्लाई करूंगा इधर इस वाले इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो q इज इक्वल्स टू माइनस k, ठीक है, माइनस k ब्रैकेट क्या आ जाएगा, देखो r x k माइनस, ठीक है, यहां आ जाएगा आपके पास, इसको भी ले लेते हैं हम, माइनस h नॉट का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, ठीक है। बाकी कुछ बचेगा क्या हमारे पास, इसको x को अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ बचेगा क्या हमारे पास, देख लेते हैं हम, बाकी देखो x यहाँ पे भी है तो ये भी रह जाएगा मेरे पास, है ना, तो हम इसको भी लिख लेते हैं माइनस माइनस आर एल स्क्वायर बाई के, ठीक है, ये मिल गया आपको किसके लिए, अगर मुझे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कभी कोई x लेंथ पे निकालनी है तो, ठीक है, अगर मुझे डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ x लेंथ पे निकालनी है तो मैं जब इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा dh बाई डी एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ, qx इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस एल बाई टू, ठीक है, इंटू के, सॉरी प्लस के बाई टू एल, के बाई टू एल एच नॉट का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मुझे Q नॉट निकालना है, देखो Q नॉट बोला था मैंने, निकालेंगे हम, Q नॉट निकालना है तो Q नॉट क्या होगा, Q नॉट होगा, Q नॉट कब होगा, Q नॉट मतलब x इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, Q नॉट फॉर x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, x को अगर मैं जीरो रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q नॉट मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे रख देता हूं इस इक्वेशन में x को जीरो, तो अगर x को जीरो रखा तो क्या हो गया, ये देखो माइनस माइनस आर एल बाई टू, ठीक है, प्लस प्लस के टू एल एच नॉट स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया हमको, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर मैं इसको एच वन क्यू वन निकालना चाहता हूं फॉर एक्स इज इक्वल्स टू एल, ठीक है, तो अब यहां पे मैं अगर x की जगह l रख देता हूं तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी q1 इज इक्वल्स टू आर एल बाई टू प्लस प्लस के टू एल एच नॉट स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जनरल फॉर्म में, ये आ गया हमारा मेन इक्वेशन, आप चाहो तो ये वाली भी नोट कर लो, है ना, ये भी एक मेन इक्वेशन हो गई आपकी, और एक इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली, है ना, एक इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली, और अगर बेसिक इक्वेशन देखना है तो जनरल इक्वेशन क्या मिली थी हमको, ये मिली थी हमको जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे Q1 को अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, आर एल प्लस क्यू नॉट, वही तो हुआ ना, देखो यहाँ पे देखो क्यू नॉट क्या है, माइनस आर एल बाई टू, ये है प्लस आर एल बाई टू, मतलब इसमें ऐड हुआ है आर एल, है ना, तो बाकी चीजें पीछे की क्या है सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू वन इज इक्वल्स टू आर एल प्लस क्यू नॉट, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जब अगर रिचार्ज ना हो रहा हो, ठीक है, विथ नो रिचार्ज, तो क्या आएगा हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, उस पर ध्यान देते,